श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर तरफ उत्साह दिखाई दे रहा है। घर घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। बाजारों में मिट्टी के खिलौने खरीदने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। तरह तरह के खिलौने बाजार में दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता के खिलौनों ने धूम मचा रखी है। घर घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर तरफ उत्साह दिखाई दे रहा है। घर घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी सजाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सजाने के लिए बाजारों में खिलौनों को खरीदने के लिए ग्राहक भी पहुंच रहे हैं। एक से बढ़कर एक खिलौने बाजार में मौजूद हैं। अधिकांश लोग मिट्टी के खिलौने पसंद कर रहे हैं। बच्चे भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई बच्चे चंद्रयान के खिलौने ढूंढते नजर आए। अगर देखा जाए तो सस्ता सामान है, सस्ते के साथ यानी कि अगर देखा जाए जो साथ में जो मिलता है, जो मैंने अभी देखा है, तो उनका कॉस्टली बहुत है। इनके प्राइस जो है वो जेन्युइन प्राइस है। और जन्माष्टमी के लिए अगर देखा जाए जो सामान चाहिए होता है मिट्टी का है, पूरा एवरीथिंग हर कुछ सामान इनके पास। उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। अब देख सकते हैं सारा कुछ सामान लेने आए, सिकंदरा से आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे सामान लेने। तो हाँ, यहाँ पे टोटल जो सामान यहाँ पे मिल रहा है वो सारा मिट्टी का ही सामान है। तो अच्छा लग रहा है सामान लेके, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और मैं ये सामान देखने आई हूँ यहाँ पे जन्माष्टमी के लिए। हम लोग घर पे जन्माष्टमी सजाएंगे। और मैंने यहाँ पे सारी दुकानों पे देखा, पर मुझे यहाँ पे चंद्रयान नहीं दिखा। किसी ने चंद्रयान ही नहीं बनाया। चंद्रयान उस बहुत भारत की उपलब्धि है, और वो बहुत ऊपर है, उस पर इतनी ऊंचाई पे कोई लोग गया है, उसे किसी ने बनाया है, इसीलिए। बाजारों में जहां आगरा के मिट्टी के खिलौने दिखाई दे रहे हैं, वहीं कोलकाता की मिट्टी के खिलौने की धूम मची हुई है। बेहतरीन तरीके से कोलकाता के कारीगरों ने मिट्टी के खिलौने तैयार किए हैं। कारीगर कहते हैं अच्छी खरीदारी हो रही है, कोलकाता के खिलौने भी खूब बिक रहे हैं। मैं ये जन्माष्टमी के लिए अपने घर पे सजाऊंगी, इसीलिए सामान लेने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ये कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी और ये मतलब सब कुछ, पूरी वृंदावन में जो झांकियाँ निकलती हैं वो सब है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी मम्मी वगैरह सब सजाते हैं, तो इसलिए आप भी सजाते होंगे। हाँ, ये मिट्टी का आइटम जो भी बनता है, जो झांकियों के लिए, मूर्तियों के लिए, घर की जन्माष्टमी की सजाने के लिए, मंदिरों पर सजाने के लिए, हर प्रकार की मूर्ति मिट्टी की मिलती है। बच्चे लेने आ रहे हैं, लेडीसें भी लेने आ रही हैं, जेंट्स भी लेने आ रहे हैं। ये हर साल का काम है। इस बार जो है कलकत्ते के आइटम बहुत अच्छे हुआ, अच्छे आए, एक से एक बढ़िया, और काफ़ी खिलौने आए एक से बढ़िया। मिट्टी के भी आइटम हैं, पीओपी की भी आइटम हैं, बहुत आइटम है। इंडोले वगैरह हैं, झूले वगैरह हैं, राधा कृष्ण वगैरह हैं मिट्टी के। काफ़ी अच्छा माल है इस बार। मिट्टी के भी गदीर हैं, और जो गत्ते कागज़ के हैं वो भी हैं, राधा कृष्ण वगैरह। बच्चे श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बेहद उत्साहित हैं, बड़े भी खरीदारी करने में लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी घर घर सजाई जाती है। बाजारों में आप देख सकते हैं तमाम तरह के मिट्टी के आइटम हैं, और ये आप देख सकते हैं ये परंपरागत गुड़िया है। और इसके अलावा कोलकाता के भी तमाम सारे आइटम इस बार बाजार में बेहतरीन क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं। आपको देख सकते हैं ये सारे आइटम कोलकाता के हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी है, चार्ली चैपिन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे आइटम हैं, आप खुद देखें। ये कौआ पानी पी रहा है। बचपन में अक्सर किताबों में आपने देखा होगा कि कौआ किस तरीके से एक एक कंकड़ डाल के मटके को भरता और पानी पीकर चला जाता है। इसी तरीके के तमाम सारे आइटम हैं। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो चंद्रयान के आइटम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। अपने साथी अगर दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।